हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम, बीबीए, बीसीए करना चाहते हो तो लास्ट वीडियो में ना मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कॉलेज से निकाली थी, बट आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कलेक्ट की है। और आपको मैं बता दूं कि अब जो 3 साल का बीकॉम, बीबीए, बीसीए होता था वो नहीं होगा, पूरा कोर्स जो है वो बदल चुका है। इवन ये चीज न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है। तो अगर आप लोग बीकॉम, बीबीए या बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हो और आप लोग चाहते हो कि 3 साल का करना है तो आपको क्या करना है, आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग के सामने वेबसाइट पे देके रखा होगा बीकॉम, बीबीए, बीसीए ऑनर्स डिजाइन 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज एज वेल एज बीएससी ऑनर्स दिया है। तो आपको बता दूं कि बैचलर के कोर्सेज ना 4 साल के हो गए अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आपको अगर बीकॉम, बीबीए, बीसीए करना है तो आपको यही वाला फॉर्म फिल करना होगा, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। 3 साल वाला बीकॉम, बीबीए, बीसीए नहीं आएगा। आपको जो भी करना है वो यहाँ पे ही फॉर्म फिल करना होगा। और ऑलरेडी मैंने मेरे वीडियो इस पे बना दिया है कि कैसे क्विक रजिस्ट्रेशन करना है। अब आगे की प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है, क्विक रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको पेमेंट करना होगा, उसके आगे अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुई है बिकॉज गुजरात बोर्ड का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, दैट्स व्हाई। दूसरी चीज बता दूं कि ये जो बीकॉम, बीबीए, बीसीए ऑनर्स है ना वो टोटल 4 साल का कोर्स होने वाला है एज वेल एज बीएससी का भी, और इसकी इन्फॉर्मेशन बुकलेट में जाके भी आप लोग जो है वो देख सकते हो। दूसरी बात, अभी कौन से एडमिशन शुरू हो गए है, तो मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड है, एमएससी है या बीजेएमसी है, इसका एडमिशन चालू हो गया है, या मास्टर ऑफ कॉमर्स एमकॉम ले लो, एमए ले लो, बीएड ले लो, या तो फिर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम बीए ऑनर्स है, और बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएससी, ठीक है। अब आपको ना जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है ना वो बता देता हूँ कि क्या आया था न्यूज़पेपर में, और ये जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड है। मैंने खुद ने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट किया था और मैंने वहां से ये पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो शुरुआत हो चुकी है, यानी ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसकी शुरुआत हो गई है एज वेल एज कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सबको सीधा ऑनर्स डिग्री में एडमिशन लेना होगा। याद रखना, ऑनर्स डिग्री में, नॉर्मल डिग्री में आप नहीं ले सकते, वो टाइम गया, अब पूरा कोर्स बदलने वाला है आपका, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ ये भी बताया है, देखो इसमें 3 चीजें है, क्या क्या चीज है कि अगर मान लो आप बीकॉम या बीबीए या बीसीए कोई भी कोर्स करते हो और आप 1 साल करके छोड़ देते हो तो उसको हम लोग ना सर्टिफिकेट कोर्स कंसिडर किया जाएगा, इस न्यूज़पेपर कटिंग में देके रखा है। अगर आप 2 साल करके उसको छोड़ देते हो, 2 साल करने पे, तो आप उसको हम लोग डिप्लोमा कोर्स कहेंगे। और अगर आप लोग मान लो 3 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो और फिर आप ड्रॉप लेते हो, मतलब कि खत्म कर लेते हो, आगे आपको नहीं करना, तो वो जो अपना रेगुलर जो कोर्स होता है बीकॉम, नॉर्मल बीकॉम, बीबीए वाला और बीसीए वाला, और अगर मान लो 4 साल कर लेते हो आप, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा, ऑनर्स कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा यूनिवर्सिटी में इस बार रहने वाला है। सो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन और कहीं पे नहीं मिलेगी, और ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है, और आप देख सकते हो ये मैंने ना गुजरात समाचार में से पिक जो है वो ली है, और ये डेट भी आप लोग देख सकते हो 9 मई, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो 9 मई पे डिक्लेयर की गई थी। एक्चुअली में मेरे पास ये कटिंग 10 तारीख को ही आ गई थी, बट मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं वेरिफिकेशन कर रहा था यूनिवर्सिटी में भी, अलग अलग कॉलेजेस में जाके भी, ठीक है। बट सब जगह मेरे को सेम आंसर मिला है कि इस बार जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी की पूरी प्रोसेस 4 साल की है, मतलब कि आप लोग को ऑनर्स में ही एडमिशन लेना होगा, भले आपको बाद में जाके 3 साल करना है, बट आपको एडमिशन तो ऑनर्स में ही लेना होगा। इसके लिए कोई भी अलग से इसका जो राउंड होता है वो ओपन नहीं होगा। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग बीकॉम, बीबीए, बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हो या बीए में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे फिर वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, कोई भी फील्ड हो, आपको बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी और बीए सब में ऑनर्स में ही करना पड़ेगा, जो कि 4 साल का है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आने वाला। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने क्विक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो कर देना, और आपने अगर क्विक रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो क्विक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा, और पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन लॉगिन डिटेल्स पूरी आ जाएगी, डैशबोर्ड दिखा देगा, और उसके आगे की जो पूरी प्रोसेस है ना वो शुरू नहीं हुई। मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे कि सर बताइए कि अब आगे की प्रोसेस कब होगी, क्या है, कुछ आइडिया नहीं है बच्चों को, तो क्लियर कर दूं कि अभी आगे की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। आपको बस
खाली इसमें लॉग इन करना है, पेमेंट कंप्लीट करना है, बस उसके बाद आगे कुछ मत करना, क्योंकि प्रोसेस शुरू होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और आगे कोई भी तरह की अपडेट अगर आती है तो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाऊंगा, इसलिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक यू सो मच।